यदि किसान के बारे में आप बोलिए चलो इधर रोली। हमारे साथ दानिश अली जी हैं, आप अमरोहा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। दानिश अली जी, बजट सेशन कल से शुरू होने वाला है, क्या आपके अनुमान हैं और क्या एक्सपेक्टेशन है? देखिए, सबसे पहले एक्सपेक्टेशन हमारी ये है कि सरकार को कुंभकर्ण की नींद से उठना चाहिए। जो किसान, लाखों किसान सड़कों पर हैं, उनकी आवाज़ को सुनना चाहिए और जो 3 कृषि कानून लाए हैं उन काले कानूनों को वापस लेना चाहिए, क्योंकि वो अवैध रूप से ही पास किए गए थे। राज्यसभा के अंदर भी जो है शोर शराबे में पास किए गए थे और वो वैध नहीं, इसलिए उनको, सरकार को खुद ही रद्द कर देना चाहिए, किसानों की आवाज़ को सुनना चाहिए। सर, राज्यसभा के चेयरमैन साहब ने तो ऐसा नहीं कहा कि ये तीनों कानून अवैध हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि इसमें बहुत लोगों का मत अलग हो सकता है, भिन्न हो सकता है, सरकार से भिन्न है, जैसा आपने भी कहा। क्या ये 3 कानून सरकार कह रही है कि हम इस पर सुनने को तैयार हैं, हम इस पर बात करने को तैयार हैं, रिपील के अलावा जो बोलोगे हम आप करने को तैयार हैं? कल प्रधानमंत्री जी ने भी एक ये उनके द्वारा ये कहा गया परसों की, तो वो कह रहे हैं कि यदि आप हमारे दरवाजे खुले हैं या हमारा फ़ोन नंबर, आई एम ओनली अ फ़ोन कॉल अवे। जब सरकार खुद मान रही है कि हम 1.5 साल के लिए सस्पेंड करने को तैयार, इसका मतलब उसमें कमी है ना, गुंजाइश है इम्प्रूवमेंट की, तो उसको जिद क्यों बना रहे हो? अगर गलती आपसे हो गई तो उस गलती को रेक्टिफाई कर लो, उसको जिद क्यों बनाना? भाई, आप कह रहे हो कि ये गिफ्ट हम आपको दे रहे हैं, ये बहुत अच्छा पेन है साहब, ये आप ले लीजिए। मैं कह रहा हूं मुझे नहीं चाहिए, ये अपना गिफ्ट आप अपने पास। जब किसान को नहीं चाहिए, आप क्यों जबरदस्ती दे रहे हो? आप कह रहे थे कि नोटबंदी करके कि साहब पूरा काला धन खत्म हो जाएगा। भाई, हमें गिफ्ट नहीं चाहिए, आप अपना गिफ्ट अपने पास रखो। किसान कह रहा है कि हमें गिफ्ट नहीं चाहिए। सरकार का एक और ये कहना है दानी चली जी की, उनका ये कहना है कि मत है कि हमारे पास बहुत ऐसे किसान हैं हिंदुस्तान से जो कि हमारे इन तीनों कानूनों को रखना चाहती है और कहना चाह कह रही है कि ये तीनों कानून ठीक है, उनको एक ओपन मार्केट मिल रहा है, MSP का जो बात आप लोग सब लोग कह रहे हैं उसकी भी बात के अगेंस्ट वो कह रहे हैं। और बहुत सारे किसान हैं, लाखों किसान, जो कृषि मंत्री तोमर जी हैं वो कह रहे हैं कि हमारे पास सपोर्ट में आए हैं। मैं हमें पूरे देश के किसानों की बात सुनिए, आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं और आपका क्या मत है? कोई किसान नहीं है, वो सरकारी स्पॉन्सर्ड है, BJP के कार्यकर्ता हैं, उनके संगठन के लोग हैं जो ऐसी बात कर रहे हैं। मुझे बताइए, कोई 2 एकड़ का किसान अपनी उपज उत्पादन करके क्या मुजफ्फरनगर से चेन्नई में बेचने जाएगा? क्या उसके पास इतने साधन है? किसको आप पूरी की पूरी खेती जो है वो कॉर्पोरेट के हवाले करना चाहते हैं? किसान समझ चुका कि किसान डट के खड़े रहे, हम उनके साथ हैं। आपकी क्या राय, आपकी पार्टी की क्या राय? हमारी पार्टी ने लोकसभा के अंदर, आप रिकॉर्ड निकाल के देखिए, जब ये बिल आ रहे तो मैंने स्वयं इन बिल का विरोध किया और हमारी पार्टी की नेता ने भी जो है राष्ट्रपति के अभिभाषण का बायकॉट इसीलिए कराया कि हम इन काले कानूनों के खिलाफ हैं। हमारी सॉलिडेरिटी, हमारा समर्थन उन किसानों के साथ है जो इस ठंड में बैठे हुए हैं। सरकार को अपनी हठधर्मिता छोड़नी चाहिए, 150 से ज़्यादा किसान अपनी जान दे चुके ठंड में, उसके बाद भी अगर सरकार ये नहीं मिल जाती तो बड़ा दुख। सर, पार्लियामेंट बजट सेशन है, उसमें आप लोगों की क्या स्ट्रैटेजी होगी, आपका क्या मत है कि बजट सेशन में क्या होना चाहिए? हंगामेदार तो रहेगा ही, ऐसा सभी पार्टी लामबंद हो चुके हैं फॉर के लिए और अगेंस्ट। देखिए, हम लोग कभी भी BSP जो है वो कार्रवाई को अवरुद्ध नहीं, हम लोग वेल में नहीं चाहते, हम एक डिसिप्लिन, लेकिन अपनी बात को हम सदन के पटल पर अच्छे से
रखेंगे जैसे अभी तक रखते आए हैं, और हम चाहते हैं कि चर्चा हो और इस पार्लियामेंट सेशन का जो मकसद है वो चर्चा हो। और चर्चा का मतलब ये नहीं है कि सरकार जो है अपनी विल को ही इम्पोज करे, सरकार को विपक्ष की बात सुननी चाहिए और किसानों की बात सुननी चाहिए, अपनी हर तरीका से बात करनी चाहिए।